माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। जब आप बहुत चटपटे से बिरयानी और पुलाव खा खा के बोर फील करें तो ट्राई कीजिए कुछ बिल्कुल लाइट सा, जो आपको नमकीन का टच भी दे और मीठा खाने का मज़ा भी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी के साथ काबुली पुलाव, जिसके आप आज के बाद फ़ैन ज़रूर होने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हमने 1 किलो चावल को लेकर 1 घंटा के लिए भिगो दिया था। 2 हमने बड़े साइज़ के प्याज लेकर उनको स्लाइसिस में कटिंग कर लिया और तकरीबन 1250 हमने ग्राम ली थी चिकन। 4 हमने अदद छोटी इलायची ली, 1 खाने का चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच हमने गर्म मसाले लिए और आधा चाय का चम्मच ब्लैक पेपर, 1 खाने का चम्मच हमने सॉल्ट लिया या फिर सॉल्ट टू टेस्ट, 1 खाने का चम्मच हमने शुगर ली, 2 खाने के चम्मच ब्लैक किशमिश ली और 6 से 7 अदद बादाम लेकर उनको हमने पील कर लिया और तकरीबन 1 कप के करीब हमने गाजर को पील करके उसको ग्रेट कर लिया। अब हम एक कढ़ाई के अंदर 1/2 कप ऑयल लेंगे और उसके अंदर प्याज को हम बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसके अंदर चिकन ऐड करके हम इसका कलर चेंज होने तक कुक करेंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे और अब आप देख सकते हैं कि चिकन का बहुत ज़बरदस्त सा ब्राउन कलर आ चुका है, यानी ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे और तकरीबन उसको हम 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। देन हम पाउडर्ड स्पाइसेस ऐड कर देंगे, लाइक गरम मसाला, काली मिर्च और नमक, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसी के साथ इसमें 3 गिलास हम पानी के ऐड कर देंगे। आप याद रखिए कि अब हमने टोटल आप याद रखिए कि हमने टोटल जो था 1 किलो चावल लिए थे और 1 किलो चावल हमारे 3 गिलास के बराबर बन रहे थे, यानी कि 3 गिलास चावलों के लिए हमें 5 गिलास पानी चाहिए। 3 गिलास पानी हमने अभी डाल दिया और 2 गिलास पानी हम बाद में डालेंगे। अब हम यखनी को अच्छे से रेडी होने तक कुक करेंगे, तकरीबन अगेन 10 मिनट। अब हम इसमें से सारा चिकन निकाल के अलग प्लेट में रख देंगे, ताकि ये चिकन बहुत ज़्यादा गल जाएगा तो फिर खाने का मज़ा नहीं आएगा और इसकी लुक भी इस तरह से मज़े की रहेगी। अब अगेन हमने जो 2 गिलास बचे थे पानी के वो भी ऐड कर दिए, यानी टोटल 5 गिलास पानी इसके अंदर हैं। अब इसी तरह से अच्छे से हम यखनी को कुक करेंगे। जब ये पानी उबलने लगे तो इसके अंदर हमने राइस को ऐड कर देना है और अब हम राइस को इतना पकाएंगे ताकि ये जो पानी है बिल्कुल राइस की ऊपर वाली लेयर तक आ जाए। इट मीन्स अब राइस जो है तकरीबन दम लगाने के लिए रेडी हो चुके हैं। जो भी चिकन था हमने उसके ऊपर ऐड कर दिया है और इसी तरह हम इसको दम पर रख देंगे। बहुत मज़ेदार सा यखनी पुलाव रेडी हो जाएगा, यानी कि काबुली पुलाव। अब हमने यहाँ पर तकरीबन 1 कप गाजर ली और इसमें 1 खाने का चम्मच ऑयल ऐड किया पैन में और गाजर को हमने इसमें कुक करना शुरू किया। साथ ही हमने शुगर भी ऐड करके इसको बिल्कुल इस तरह से सॉफ्ट सा कर दिया। अब ये तकरीबन डिश आउट करने के लिए रेडी है। इसी के साथ हम जो बाकी ऑयल था पैन में उसमें हमने किशमिश और बादाम ऐड कर दिए। इनको हमने हल्का सा फ्राई कर लिया ताकि इनका थोड़ा क्रंची सा फ्लेवर आ जाए। अब वो भी रेडी हो चुका। फ्लेम ऑफ करके हम जो भी गाजर, किशमिश और बादाम था उसको इसके ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे चिकन के ऊपर। साथ में जो भी इलायची पाउडर था वो भी मैंने ऐड कर दिया था और इसको मैंने तकरीबन 2 मिनट्स के लिए कवर करके रखा ताकि इलायची की खुशबू जो है वो राइस के अंदर अच्छे से फैल जाए। अब आप देख सकते हैं हमारा मज़ेदार सा काबुली पुलाव रेडी हो चुका है। इंतहाई लाइट सा टेस्ट और लजीज लगता है खाने में, यानी नमकीन का टच और मीठे का फ्लेवर दोनों ही साथ में, तो इसलिए ये बहुत यूनिक सा टेस्ट भी देता है। होपफुली आपको आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आपने इसको ज़रूर ज़रूर ट्राई करना है। इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले फ्री में पहुँचे। तो आज की मज़ेदार सी रेसिपी के लिए हमें दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।